सच में कह रहा हूँ गाइस, ये हॉन्टेड प्लेस है। कैसे हैं आप सभी लोग? तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। और लास्ट टाइम आपको पता था कि जब हम लोग ट्रैकिंग करने के लिए आए थे तो हमारा बैट घूम चुका था और हमको पूरे रास्ते वापस आना पड़ा था, तो मैं उस चक्कर में आपको ना वो ट्रैकिंग एरिया आपको दिखा नहीं पाया था। तो गाइज आज हम दोबारा से जाने वाले हैं ट्रैकिंग एरिया पे। लास्ट टाइम जब हम लोगों ने ट्रैकिंग की थी तो आपको पता ही है कि बैट घूम चुका था, इस वाले बच्चे का बैट घूम चुका था, और इसकी वजह से हम लोग वापस पूरा एरिया आए थे। तो आज हम लोग फिर से जाने वाले हैं उस ट्रैकिंग एरिया में और आपको एक्सप्लोर करवाऊंगा सारी की सारी जो बैक एरिया है जहाँ पे हम लोग ट्रैकिंग करते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे साथ आज एक और लड़का है जिसका नाम गौतम है, ये कनाडा में। लास्ट टाइम मैं इंट्रोड्यूस करवाना भूल गया, तो आज देख सकते हैं आप। तो आज भी हमारे साथ ये दो बच्चे हैं और दो तीन बच्चे अभी लास्ट में पीछे भी आने वाले हैं। तो अभी देख लेते हैं हम लोग लास्ट का जो बैक एरिया वो कैसा होता है, आपको बताऊँगा सारा का सारा बैक एरिया, बने रहिएगा वीडियो में। हम लोग चलते चलते आ चुके हैं उमेद हेरिटेज के बैक एरिया में और आप देख सकते हैं पीछे का पूरा एरिया एकदम पूरा बंजर एरिया, यहाँ पर पूरा मिट्टी मिट्टी है। और यहीं से हम लोग अंदर की तरफ जाएंगे और पीछे का जो बैक एरिया वो मैं आपको एक्सप्लोर कराऊंगा। और सनराइज़ भी देख लिए गाइस, कितना शानदार लग रहा है। अभी खैर मेरे मोबाइल में इतनी क्वालिटी तो नहीं आती है, बट मैं फिर भी जितना मेरे से हो सकता है थोड़ा बहुत आपको दिखाने की मैं कोशिश करता हूं। और बाकी तो आप लोग देख ही सकते हैं कितना अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ पर सारा का सारा, और बहुत अच्छा है मतलब यहाँ पर सब कुछ। यहाँ पर बच्चे साइकिलिंग के लिए भी आते हैं मॉर्निंग में और यहाँ पर पक्षियों को दाना वगैरह डालते हैं, डॉग्स को पानी वगैरह डालते हैं। ये पूछा बैक एरिया है पूरा। और अभी चलते हैं आगे की तरफ गाइस, देखते हैं गाइस कितना खंडर एरिया है पूरा। और रात को लिटरली यहाँ पे हॉन्टेड मूवी की अगर शूटिंग की जाए तो मतलब बिल्कुल परफेक्ट लोकेशन है ये। तो आने वाले टाइम में भी मैं आपको जो राजस्थान में जितनी भी मतलब मोस्ट प्रोबेबली जितनी हॉन्टेड प्लेसेस हैं मैं आपको सारी की सारी कवर करने की कोशिश करूंगा। और ये हमारा जोधपुर का शान है, जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको बोलता हूँ उमेद भवन, गाइस ये हमारे जोधपुर की शान है। तो गाइस इसको तो भाई मैं भूल ही नहीं सकता कभी। तो ये देख सकते हैं पूरा बैक एरिया जो है यहाँ पे खंडर ही खंडर हो रखा है। देख सकते हैं आप, एक हमको अभी एक रॉटविलर मिला है यहाँ पे जो कोई बांध के छोड़ के चला गया है। भाई हाथ लगाना भी इतना डर लग रहा है, इतना डेंजर ब्रीड है ये। और मेरे को तो इसके ओनर कहीं मिल नहीं रहे, तो मुझे लगता है शायद किसी ने छोड़ दिया है क्योंकि बहुत डेंजर ब्रीड है ये, तो शायद कोई इसको बांध के चला गया है। आप देख सकते हैं गाइस, मेरे को तो बिल्कुल इसको हाथ लगाना भी डर लग रहा है, कितनी जानदार ब्रीड है यहाँ पे। अरे कोई है यहाँ पे इसका मालिक? वो रहे मालिक, मिल गए मेरे को, वो दिख गए उनके मालिक रेड टी शर्ट में, शायद यही है। तो मेरे को आप देख सकते हैं गाइस, मैं अपने वीडियो में आपको दिखाना चाहता हूँ क्या शानदार ब्रीड है ये। तो यहाँ पे मुझे लगा था कि पहले कोई छोड़ के चला गया है, बट यहाँ पे गाइस इस जानदार ब्रीड की मालिक मुझे मिल चुका है। आप देख सकते हैं गाइस क्या शानदार। गाइस जोधपुर में मेरे को पहली बार ऐसी कोई ब्रीड नज़र आई है, इतनी शानदार एकदम एक मेरे को यहाँ पे मिली है। तो पता नहीं इसके मालिक कहाँ पे है, लोमड़ी टाइप से डॉग ही है बिल्कुल ही, दोनों पार्टनर लग रहे हैं मुझे। तो आप देख सकते हैं गाइस बहुत अच्छा मतलब यहाँ पे मेरे को जोड़ी मिली है इनकी, और मालिक तो खैर मुझे मिल ही चुके हैं, बट आप देख सकते हैं गाइस कितने शानदार पोज में दोनों बैठे हैं। गाइस आप देख सकते हैं एक अलग ब्रीड एकदम बेल्जियम मेलिनोइस, अभी मैं इसको एक पत्थर फेंकूंगा और देखना आप, गो क्या फास्ट ब्रीड है एकदम शानदार। Every time I climb up your walls, grab my hand and then you let me fall. I'm still standing here through it all, but you know I hate my life when we fight. Take the blame every single time. Take it back, you're a liar. Promises burning in the fire. ऑटो चिड़ रहा है वहाँ बंदा बंदा वो अकेले अकेले में लगा हुआ है। गाइस इसको ना इसके साथ बहुत बेरहमी हो रही है, इसको बेचारे को बांध के रख दिया यहाँ पे, और यहाँ पे ना ये पत्थर को लेके खेल रहा है बस, ये देख सकते हैं आप। ऑडी नो गुस्सा कर रहा है मेरे पे। गाइस ये हमारी पूरी टीम है, आप देख सकते हैं गौतम, कानाराम, महेश, दीपक भैया और ध्रुव, वैली, गोकू, लॉरी और ये जैकी। और इससे मैं आपको इंट्रोड्यूस करा ही चुका हूँ, ये है हमारा ऑडो द रॉटविलर, पावरफुल रॉटविलर। प्रॉमिसेस बर्निंग इन द फायर, आई गेस आई शुड नो बेटर।
बॉडी स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं गाइज, एकदम स्लोप स्लोपी एरिया है और दुनिया की सबसे पावरफुल ब्रीडों में से इसका नाम आता है रॉटविलर। इसका बॉडी स्ट्रक्चर देखते हैं, आगे से ब्रॉड और साइड से आप इसका पोर्शन थोड़ा देख सकते हैं और मेरे हाथ में ये, तो गाइज मुझे अंदर से बहुत प्राउड फील हो रहा है, इतनी बड़ी चीज भारी चीज मेरे हाथ में है। हेड देख सकते हैं, हालांकि मैं इसे फर्स्ट टाइम मिला हूँ बट ये मेरे से फ्रेंडली हो चुका है। बट आप लोग ऐसा कोशिश मत करना क्योंकि बहुत, आप देख सकते हैं गाइज एकदम पूरा खींच लेता है ये ऑर्डर। गाइज अभी हम लोगों ने वहाँ पे एंजॉय तो कर लिया और अभी आप देख सकते हैं हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। थोड़ा बहुत आपको दिखाता हूँ एरिया और खेलते खेलते समय का पता ही नहीं चला गाइज, 9 बज चुकी है यहाँ पे, तो मैं आगे का आपको एरिया दिखाता हूँ। गाइज आप देख सकते हैं कितनी बड़ी चट्टान है ये यार, मतलब यहाँ से लेके गाइज इतनी बड़ी चट्टान और मतलब बहुत ज़्यादा मस्त है यार। यहाँ पे सारा का सारा जो एरिया है ना, आप एरिया भी देखिए गाइज, यहाँ पे आपको ना बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और इन फ्यूचर गाइज मैंने ये सुना भी है कि रात को जो इस जगह पर आते हैं ना, काफ़ी मतलब हॉन्टेड प्लेस भी इसको कहा जाता है जोधपुर का। पीछे का बैक एरिया गाइज, कभी मैं इन फ्यूचर अगर भाई थोड़ी बहुत हिम्मत जुटा के मैं आ पाया ना तो गाइज मैं आपको थोड़ा बहुत दिखाऊँगा यहाँ पे। यहाँ पे कहते हैं कि लोग की हॉन्टेड प्लेस है ये। ऊपर चढ़ रहा हूँ और ऊपर चढ़ते वक्त देखिए आप भाई, कांटे ही कांटे भाई साहब, गर्दन पे कांटा चुभ गया यार मेरे, गर्दन इतने कांटे हैं ना गाइज यहाँ पे, मतलब आप देख सकते हैं। और सार का सारे एरिया मैं आपको दिखा रहा हूँ, विजिट करवा रहा हूँ पूरा का पूरा एरिया। और यहाँ पे आप यार मेरे साथ आओ और सारे का सारा जो एरिया है, यहाँ पे मकड़ी के जाले भी इतने सारे हैं ना, मतलब कुछ कह नहीं सकते यार कौन सा जाला। और गाइज यार मैं अकेला पड़ गया यहाँ पे, कहाँ चले गए यार सारे बंदे, मिडिल चक्कर में मैं अकेले ही रह गया यहाँ पे। गाइज ये बंदे पता नहीं कहाँ चले गए और वीडियो चक्कर में अकेला रह गया। कहाँ पे हो सब? आया, देख सकते हैं ये वाला जो एरिया है ना, ये एकदम पतली सी सड़क है, सड़क टाइप यार गली टाइप कुछ भी कह सकते हो, पतला सा गली है। और यहाँ से अपन पीछे की तरफ जाएंगे और आगे जैकी तो मेरा इंतजार कर ही रही है। और मतलब काफी यार, मतलब यहाँ पे ना मतलब बहुत, आप यार देख सकते हैं, मतलब आपको थोड़ा बहुत अंदाजा हो सकता है कि दिन के टाइम पे इतना सुनसान है यहाँ पे। तो गाइज जो आप सोचो रात को अगर कोई फंस जाता है यहाँ पे तो गाइज ये बहुत, मतलब सच में कह रहा हूँ गाइज ये हॉन्टेड प्लेस है। अगर आपको यकीन नहीं होता है तो इन फ्यूचर अगर मैं कभी वीडियो बनाता हूँ तो रात के 9 बजे 10 बजे अगर मैं आता हूँ तो गाइज यहाँ पे मुझे कुछ मिल सकता है, आई होप सो। बट यहाँ पे गाइज सच में कह रहा हूँ हॉन्टेड प्लेस है ये। गाइज आप देख सकते हैं यार, मतलब जो मैंने आपको बोला है ना हॉन्टेड प्लेस, सच में कह रहा हूँ गाइज, आप यकीन करो मेरा हॉन्टेड प्लेस है ये। अगर रात के टाइम कोई आता है ना गाइज यहाँ पे, सच में कह रहा हूँ फंसेगा वो, कसम से कह रहा हूँ। दिन के 12 बजे भी यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, आप देख सकते हैं दिन के 12 बजे अगर आप कोई आता है ना तो मतलब यार काफ़ी केस यहाँ पे हो चुके हैं, मैंने खुद ने सुना है, लोगों ने खुद ने बोला है कि 12 बजे 12:30 बजे वो लोग क्रिकेट खेल रहे थे तो अचानक पता नहीं किसी को कोई बेहोश हो गया और घर जाके अब नॉर्मल एक्टिविटीज़ करने लग गया। सच में कह रहा हूँ मतलब ये वही जगह है यार, मतलब इतना डीप एरिया है और अंदर की तरफ। और खैर अभी तो हम मॉर्निंग में आए हैं, यहाँ पे सब लोग बैठे हैं आप देख ही सकते हैं, बट नाइट का टाइम गाइज और दिन के 12 बजे के बाद का टाइम बहुत ज़्यादा डेंजर होता है यहाँ पे। गाइज ये वाला पहाड़ भी आप देख सकते हैं, वहाँ पे क्या लिखा हुआ, मेरे को तो यहाँ पे कुछ एक पता नहीं क्या लिखा हुआ, यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे, देख सकते हैं आप क्या लिखा है। खाना भूतनी ने भाई, तू रात को आएगा ना यहाँ पे तेरे को पता चलेगा भूतनी है या भूत है, कसम से कह रहा हूँ। ये सब यहाँ पे मोबाइल में लग चुके हैं। और क्या नाम है आपका, क्या नाम है आपका, आप थोड़ा इंट्रो तो दे दीजिए इसमें, मेरे व्यूवर्स को पता नहीं आपका नाम क्या है, बता दिया ना आपने। क्या नाम है आपको बताओ? महेश। महेश, और ये क्या नाम है, इसका क्या नाम है? गौतम। और वो पीछे बैठा जाओ थर्ड नंबर बैठा जाओ, ये बहुत शर्माता है ये, क्या नाम है यो चलो गाइज यहाँ मस्ती भी हो चुकी है और अभी ना आगे चलते हैं गाइज। आप देख सकते हैं बच्चे किस तरह से दौड़ रहे हैं और मैं भी यहाँ पे दौड़ने की कोशिश करूँ, बट आपको नहीं लगता कि ये गाइज ये जो जगह है हॉन्टेड है, मतलब मैं आपको सच बता रहा हूँ, यहाँ पे ये जगह जो है ना, आप सच में इस जगह को देखो यार, आप खुद सोच सकते हो। अभी मॉर्निंग 9 बजे का टाइम हुआ है और आप देख सकते हो इस जगह की हालत देखो आप, तो 12 बजे के टाइम पे इस जगह की हालत आप खुद ही इमेजिन कर सकते हो, आपको खुद को लग जाएगा मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ। मैं इसी जगह की बात कर रहा था, इतनी हाइट पे आने के बाद ये पूरा एरिया नीचे खंडर है, खाई टाइप है,
वो लोग वहाँ बैठे हैं, बहुत हाइट पे है ये एरिया पूरा का पूरा। ये वाला जो एरिया ना, बस ये इस बाउंड्री की एंडिंग है। अगर कोई गिरता है गाइज, तो गाइज सच में कह रहा हूँ बहुत बुरी लगेगी। अभी मैं नहा धो के रेडी हो चुका हूँ और अभी चलते हैं किचन की तरफ और देखते हैं कि भाई क्या बना है खाने में। मम्मी ने क्या बनाया वो भी देख लेते हैं। तो अभी देख लेते हैं खाने में क्या बना है। ये आलू मटर की सब्जी है और ये सोयाबीन आलू की है। ये चावल पड़े हैं इसमें, इसमें, इसमें थोड़ी सी दाल है और इसमें सेव कौन सी सब्जी मम्मी है सिंपली की, तो इसमें सिंपली की सब्जी है और ये दही है। तो अभी मैं खाना खा लेता हूँ गाइस, फिर मिलता हूँ आपको उसके बाद। बज चुके हैं रात के 9 और मुझे करनी है आज की वीडियो की एडिटिंग। तो गाइस जब तक आप लोग ये वीडियो देख रहे होंगे तो भाई तब तक तो एडिटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी होगी। और जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता देना कि आज का ब्लॉग कैसा लगा। आई होप आपको अच्छा लगा ही होगा। तो गाइस अगर आपको अच्छा लगा तो भाई फटाफट जाओ लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और भाई नोटिफिकेशन को ऑन भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। तो गाइस सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग, तब तक गुड बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।